हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना मुझसे छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहते हैं, और हर एक को होता है ना कि अगर हम इनको थोड़ा सा जानते हैं तो हम उनको ज़्यादा सा क्यों नहीं जानते। तो मैं अपने बारे में थोड़ा नहीं बहुत बताने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ जो मेरे बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मैं हूँ इंडिया से, इंडिया में मुंबई से, मुंबई में अभी से बोल सकते हैं कि मुंबई में मैं अभी रहती हूँ, बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया में, आप जानते होंगे एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैं हुई और मेरा एजुकेशन जो हुआ वो रायपुर, पहले वो रायपुर जो था एमपी में था, बाद में वो छत्तीसगढ़ का कैपिटल बन गया। तो बोल सकते हैं कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप, शादी, सब कुछ छत्तीसगढ़, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थे तो वो वहाँ पे घर भी बना लिए, हम वहाँ सेटल भी हो गए, हमारी स्कूल कॉलेज वॉलेज सब वहाँ से हुई। अब बात की जाए तो किस बात पे की जाए कि मेरा एजुकेशन क्या है, तो मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने जॉब भी की हुई है, उसके बाद मैंने आगे जॉब इसलिए नहीं की कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो जिसकी वजह से मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं किया। तो उसके बाद में अब मैं अपनी लाइफ को इस तरह से एंगेज रखती हूँ, इस तरह से इन्जॉय कर रही हूँ। अब मैं बताती हूँ अपनी फैमिली के बारे में। तो फैमिली में हम लोग हैं 3 सिस्टर्स और एक भाई है मेरा, और मैं दुबई में रहती हूँ, मेरे दोनों सिस्टर मुंबई में रहती हैं, जिसमें से एक सिस्टर मीडिया वाली है, वो राइटर है, मेरे दीदी भी राइटर हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑपरेशन मैनेजर हैं, प्राइवेट जो चार्ट ऑफ राइट्स होती हैं उसमें। अब मेरा भाई जो है वो मेरे सिस्टर के साथ ही काम देखता है, और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो है फैशन डिज़ाइनर, मूवीज के लिए फैशन डिज़ाइन करती है। मेरे मॉम डैड का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब में थी, और उनकी नज़र में लड़कियाँ बहुत स्पेशल हो थी, तो उन्होंने अपनी लड़कियों को वैसे पाला है जैसा लड़कियों को एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एक प्यार मिलना चाहिए जो कई फैमिलीज में नहीं मिलता। तो वैसा हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला है। तो आज अगर बोलें कि हम लोग को लड़कियों के लिए जो प्यार है या जो इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो सब मेरे पेरेंट्स की वजह से, जो उन्होंने इतना हम लोग को रिस्पेक्ट और प्यार दिया है हमारी ज़िंदगी में। मेरी भी एक बेटी है, मेरी सिस्टर की 2 बेटियाँ हैं। बोलते हैं जिस घर में लड़कियाँ होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे खुदा मेहरबान होता है, अल्लाह मेहरबान होता है, भगवान मेहरबान होता है, उस घर में लड़कियाँ आती हैं पहली। तो ये था मेरा फैमिली बैकग्राउंड। अब आप लोग थोड़े से बोर हो गए होंगे ना, सेट सेट सेट, तो अब करते हैं कुछ फन, मस्ती और अच्छे वाले क्वेश्चन आंसर, तो फिर हम करेंगे थोड़ा सा एंजॉय। फर्स्ट क्वेश्चन, आप पहले कोई फेमस सेलिब्रिटी से या स्टार से मिले हो? एक्चुअली मैं मेरे लाइफ में ना फेमस सेलिब्रिटी स्टार जो भी हैं वो मेरे पेरेंट्स ही हैं, मेरे लिए स्टार स्टार नहीं है, क्योंकि स्टार हम बनाते हैं उन्हें, वो भी अपना एक काम ही कर रहे हैं, वो उनका प्रोफेशन है, तो हम उन्हें स्टार कैटेगरी में डालते हैं, बट मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मेरे स्टार हैं, तो वही पहले और वही आखिरी स्टार है मेरे लिए। आपको अपनी पूरी जिंदगी में आपको कभी अपना फेमस फेम चाहिए? मुझे फेमस चाहिए, फेम भी चाहिए, बट मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए। मुझे फेमस कैसे चाहिए पता है, कि मैं लोगों के दिलों में बैठूं, मैं लोगों को हंसने का कारण बनूं, लोग मेरी वजह से मेरी बातों को सुन के हंसें, ना कि मैं टिकटॉक स्टार बन जाऊं या ये स्टार बन जाऊं, वो स्टार नहीं बनना है मुझे, लोगों के बीच का स्टार बनना है, कि मतलब लोग जो मुझे कभी मैं उनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकूं, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो उनके लिए हेल्प कर सकूं, उनसे बात कर सकूं, मुझे ऐसा स्टार बनना है। सबको पता है कि आप
दुबई में रहते हो, अगर आपको दुबई के अलावा कहीं और रहना हो तो आप कहाँ रहोगे? आई एम सो सॉरी, दुबई के अलावा मैं कहीं सोच भी नहीं पाती कहीं रहने का, पर अगर कभी कहीं रहना पड़े तो शायद इंडिया ही जाऊंगी। ओके, आपका फेवरेट वेदर कौन सा है? वेदर ना मुझे एक्चुअली मुझे ऑटम पसंद है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियाँ जाती हैं, गर्मियाँ आती हैं, पतझड़ का मौसम होता है, हल्की हल्की यू नो वो फीलिंग आती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। ओके, जैसे सबके चाइल्डहुड में या तो एक ब्लैंकेट होता है या डॉल टेडी बेयर, आपके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ था जो आपके पास अभी भी है? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइल्डहुड में भी मैं अपनी मम्मा को ऐसे करके सोती थी, बड़े होके भी अपनी मम्मा को ऐसा करके सोती थी, और अभी अपनी मम्मा की यादों को ऐसा करके सोती हूँ। यस, बहुत सारे मेरे मतलब जब तक मैं कॉलेज गई हूँ तब तक हमारे घर में गाय थी, गाय के बहुत सारे बच्चे थे, कैट थी और एक डॉग था, पैरेट था, और बाकी हम जहाँ रहते थे वो हमारा बंगलो था, ग्रीनरी बहुत थी, तो वहाँ बहुत सारे परिंदे आते रहते थे। बहुत फन था बहुत अच्छा था चाइल्डहुड मेरा। अगर ये बहुत फनी सा क्वेश्चन है, आप मेरे को लगता नहीं आपको पता आएगा, पर आपके पास कितने शूज हैं, कितने शूज हैं? मतलब दो तीन जोड़ी से तो ज़्यादा हैं, कितने हैं वो नहीं पता, पर तीन चार से तो ज़्यादा ही, कम नहीं होंगे। अब वो ये तुमको ही पता होगा प्रिंसेस। ओके, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, नॉट डेस्टिनेशन पर प्लेस, बीच, माउंटेन, सिटी, कंट्रीसाइड? मुझे सिटी पसंद आती है घूमना, मार्केट पसंद आता है, गार्डन पसंद आता है, आई डोंट लाइक बीच। नो वे, मैं टीवी नहीं देखती, बिल्कुल नहीं देखती। इनफैक्ट मेरी सिस्टर के सीरियल आते हैं वो भी पहले देखती थी, अभी मैं नहीं देख पाती हूँ। मुझे ना सच्ची बोलूँ, मुझे खाली टाइम में अपने फैमिली से, फ्रेंड्स लोग से बात करना पसंद है। मैं टिकटॉक बनाती हूँ तो मुझे टिकटॉक बनाना पसंद है। टिकटॉक बनाना इसलिए नहीं पसंद है, मैं टिकटॉक से लोगों ने क्या सीखा मुझे नहीं पता, मैंने अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया है और मैं बहुत कुछ सीखूँ, तो हर चीज़ देखिए दलदल में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये डिपेंड कि आप क्या लेते हैं उससे। मैंने बहुत कुछ लिया। ओके, आपको याद है आपने कौन सी लास्ट फिल्म देखी थी? अभी तो दो साल से पेंडेमिक है, तो लास्ट जो मूवी मैंने देखी थी स्ट्रीट डांसर। थिएटर में और थिएटर घर पे तो अभी देखी थी रिसेंट में, पुरानी मूवी भी देखते हैं, तो अभी मैंने रिसेंट में देखी थी। मेरे फेवरेट हैं इमरान हाशमी और उनके गाने मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी मूवी देखी थी अभी रिसेंट में। रोलर कोस्टर पसंद बहुत है पर डर बहुत लगता है। लास्ट टाइम हॉलीवुड पार्क में बैठे मेरा हाथ बहुत ज़्यादा बहुत डर लगता है। ऐसा एक मन होता है कर लूँ, एक मन होता है मर गई तो। ओके, जैसे कि सबको पता है बहुत फिल्मी हो, आपको गाने बहुत पसंद है, मूवीज बहुत पसंद है, थिएटर जाना बहुत पसंद है, आप कोई भी मूवी या फिल्म में रोए हो? बहुत सारी। मैं बहुत छोटी सी थी तो दूरदर्शन पे मूवी देख रही थी मैं, प्यार की प्यास, ओ माय गॉड, मैं इतना रोई थी। दूसरी मूवी थी जिस पे मैंने बहुत रोई थी, अखियों के झरोके से। अभी रिसेंट में भी एक कोई मूवी थी जिसमें मैं बड़ा रोई थी, मुझे मूवी याद नहीं है, पर थिएटर में बैठ कर रोई थी। कभी अलविदा ना कहना, ये सारी मूवीज़ है ना, आपको क्या है ना, आपके कुछ ना कुछ मेमोरी याद दिला देती है या आप वो फील करने लगते हैं। मैं वैसे भी थोड़ी सी रोती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी रोना आता है। ओके, तो आपने टिकटॉक स्टार्ट किया था 2017 में है ना? नहीं, 17 के एंड में तो नहीं, 18 में किया था, बट 18 में सिर्फ अकाउंट बना था, मैं उस पर एक्टिव नहीं थी, मैं वीडियो बहुत नहीं बनाती थी,
मेरी लड़की बनाती थी और वो मेरे से ज़बरदस्ती बनवाती थी, मम्मा बनाओ मम्मा बनाओ। बट ये मेरा नेचर ही नहीं था वीडियो बनाना, कैमरे में आना। मैं कैमरा शाई बहुत हूँ नहीं, मतलब थी कैमरा शाई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं बनाती थी ये सब। बट बोलते हैं ना, लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ एक चीज़ की ज़रूरत है। मेरा एक लाइफ का ड्रास्टिक चेंज हुआ था 2017 में, तो टोटली मैं डिस्टर्ब हो गई थी। तो मुझे उस चीज़ से निकलने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। तो यू नो, फैमिली आपकी फुल सपोर्ट होती, फैमिली सहारा होती, पर क्या होता है ना कि फैमिली भी उसी बोट में सवार होती है जिस बोट में आप होते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं। तो अपनी, यही एक मैं बात बोली हूँ, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई आपको, आपके साथ कितने भी लोग हैं, आपको खुद लड़नी पड़ती है। तो उसके लिए रास्ते खोजने पड़ते हैं। मैंने वही बोला ना आपको, टिकटॉक से मैंने बहुत कुछ पाया, बोलना सीखा, जीना सीखा, और साथ में अपनी तकलीफ़ों से, अपने दुख से लड़ना सीखा। तो अकाउंट ज्वाइन किया था पर मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। पर मैं 2018 में जुलाई अगस्त में मैं थोड़ा एक्टिवली मैंने चालू किया, जो अभी भी चालू है। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को पता होगा कि आपको कविता पढ़ना, शायरियाँ पढ़ना बड़ा पसंद है, और वो टैलेंट आपने कहाँ से आता है? मेरे फादर से, मेरे फादर खुद लिखते हैं। आई न्यू इट, मेरे फादर खुद शायरियाँ लिखते हैं, तो शायरियाँ उनको भी पसंद है। वो जो लिखे नहीं तो भी वो पढ़ते हैं, उनको पसंद आता है। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे उनसे मिली है। हाँ, तो मेरे पापा से सीखना पापा से सीखने वाली, पेरेंट्स से जो चीज़ें सीखते हैं ना वो हमेशा बहुत अच्छी होती है। तो मेरे फादर जो है वो बॉर्न आर्टिस्ट हैं, स्टेज करते हैं, और उनका जब वो खुद कॉलेज में थे तो उनको मूवी के लिए ऑफ़र आया था, बट उस समय बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। मेरे पापा को उनके फादर ने जाने नहीं दिया। और मेरी मामा भी स्टेज वाली थी, वो भी एक्टिंग करती थी। पापा और मामा दोनों साथ में डिपार्टमेंट के होते हैं, स्टेज शो उसमें थे, दोनों जन करते थे। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत मेरे न, पर वो दबा हुआ था, मुझे नहीं पता था। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि मैं, मतलब बोलते हैं फैमिली फोटोग्राफ या ऐसे, मैं वो भी नहीं खिंचवाती थी कभी। बहुत होगा तो अगर फैमिली में सारे फंक्शन में अगर 100 फ़ोटो खींची हैं तो उसमें से एक या दो में मैं दिखूंगी, मैं नहीं, मुझे पसंद ही नहीं था। बहुत चेंज हो रही हो। जी जी, बहुत चेंज हुई, और मैं अपने चेंज को फील कर पाती हूँ और बहुत लकी फील करती हूँ कि मैंने अपने अंदर चेंज लाया। बोलते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी से जब कोई जाता है या आप बहुत दुखी होते हैं तो आप या तो बिखर जाते हैं या संवर जाते हैं। तो मैं संवर गई, दुख में रह के भी संवर गई, और पूरा क्रेडिट गोज़ टू माय मॉम। शायद मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझे अंदर से इंस्पायर किया। जो चीज़ मैं नहीं कर सकती उसे मुझे पता है ये मेरे लिए बहुत टफ था, फिर भी मैं कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरी माँ ने करवाया मुझे खुश रखने के लिए। और बाहर से जो सपोर्ट बोल सकते हैं जो मिला मुझे, मेरी बेटी ने सबसे पहला, अगर कहूँ तो टिकटॉक वीडियो के लिए इंस्पायर मेरी बेटी ने किया, उसके बाद नो डाउट 100% मेरे हस्बैंड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप टिकटॉक बनाते हो, बनाती थी, खूब सारे वीडियोस जाते हैं एवरी डे, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो आप क्या टिप्स दे सकते हो टिकटॉक के जो अभी नए नए अकाउंट्स हैं उनको? देखिए, मैं टिकटॉक के लिए एक ही चीज़ बोल सकती हूँ, जो लोग टिकटॉक बनाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया साइट पे हैं और अपने फॉलोअर के लिए, अपने फॉलोइंग के लिए सब परेशान रहते हैं, वो एक ही चीज़ करें बस, सिर्फ अपने आप को ना मोटिवेट रखें पहली बात। दूसरी बात ये सोचें कि ये काम हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, इससे हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें रोटी नहीं मिलेगी, इससे हमें लाखों करोड़ों की खुशी मिलेगी। क्योंकि जब बंदा अंदर से खुश होता है ना तो बाकी सारे काम कर लेता है।
तो कभी भी सोशल मीडिया साइट पे आए तो ये सोच के आए कि हम यहाँ से कैश नहीं कमाएंगे, लाखों करोड़ों की खुशियाँ कमाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, अपने नेचर को अच्छा करेंगे और अपने आप को सुकून में रखेंगे। तो कभी ये ना सोचें कि वीडियो नहीं रिलीज हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो अपनी मेहनत करें, आप में कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और समटाइम लक भी साथ होता है। थैंक यू मम्मी। अब फॉर द वेरी फन क्वेश्चंस, स्कूल में कौन सी मस्ती की और कभी आपको मुर्गा बनाया क्या आपकी टीचर? स्कूल में मैंने मस्ती नहीं की, पर मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल बड़ी थी, वो मस्ती करती थी तो मुझे साथ में लगाती थी तो मैं मस्ती करती थी। तो स्कूल में मैं फेमस एकदम शांत लड़की के नाम से थी, पर मस्ती मैंने किया है, मुर्गा तो नहीं बनी। एक बार जो हुआ था, मुझे घुटने के बल में ना बैठा दिया था और होमवर्क ढंग से नहीं किया था शायद मैंने, तो इसलिए मुझे बैठा दिया था। हिंदी टीचर थी, वहीदा खान था उनका नाम मैडम का, मेरी फेवरेट टीचर थी, तो मुझे थोड़ा सा ना दुख भी हुआ क्योंकि वो मेरी फेवरेट थी और उन्होंने मुझे पनिश किया था। और दूसरे भी उससे भी गलत बात हुई थी कि मेरी सिस्टर को बुला के दिखाया था तो मेरी सिस्टर मेरी सॉलिड वाली मजाक उड़ाई थी मेरा निकनेम है ऐसे स्कूल में तो मेरा नाम लिखा था शिखा, घर में मुझे सब लोग रीना के नाम से जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो सब लोग रीना के नाम से जानते हैं। रीनू, हाँ रीनू भी मेरी मम्मा बोलती हैं, पापा बोलते हैं, बहुत प्यार करते हैं रीनू बेटा, नहीं तो रीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं, माय गॉड, यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम। ओह माय गॉड, मैं थक गई। व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? मैथ्स। क्यों यार, क्यों छोड़ो मैथ्स? आई लव मैथ्स, मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है। हाउ वुड समवन एल्स, कोई अगर आपसे कोई मिले तो आपको क्या रखेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपका? यार ये क्वेश्चन तो आप लोग बताओ कि कसम से मेरे बारे में क्या सोचते हो, मिलोगे तो क्या फील करोगे, ये प्लीज जब मिलोगे तब फिर कोई भी एक वीडियो में कमेंट में लिख देना, मैं कैसे बताऊँ। मैं तो सोचूंगी ना लोग मेरे बारे में अच्छे ही बोलेंगे, बहुत अच्छी हैं शिखा जी या शिखा मैम या जो भी बोलते होंगे, बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ऐसी हैं वैसी हैं, ब्यूटीफुल हैं, ऐसा चलता रहता है ना टिकटॉक पे, पर वो तो पर्सनली जो मिलेगा वही बता सकता है। मेरे हिसाब से बहुत प्यारी। अगर आप वर्ल्ड या अपने आप की कोई चीज़ चेंज कर सकती थी तो क्या होगा प्रेजेंट डेज में? वर्ल्ड का तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है और मैं ऐसी हूँ नहीं, मतलब मैं भगवान तो हूँ नहीं जो चेंज कर दूँ, पर हाँ भगवान से मैं चाहती हूँ, वो विश हमेशा मांगती हूँ कि वो चीज़ चेंज हो जाए। वो कैसे बताऊँ, बहुत सारी हैं, लोगों लड़कियों के साथ जो बदतमीजियाँ होती हैं वो बदल जाए, लोग धर्म के नाम पे जो लड़ते हैं वो बदल जाए, लोग लोगों को चीट करते हैं वो बदल जाए, लोग झूठ बोलते हैं वो बदल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्या क्या बताएंगे। मैं अपने अंदर जो चेंज करना चाहती हूँ वो एक ही है कि मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर, मुझे गुस्सा आता है तो ये बदल जाए, पर मेरे में अच्छा ये है कि गुस्सा आता है और अगर मैंने कुछ गलती की है तो इजी नहीं होता सब लोगों को कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, ईगो के खातिर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। और मेरा मानना है दिन में आप कितनी भी गलतियाँ करें, सोने के 5 मिनट 10 मिनट अपना टाइम दें और सोचें कि सारे दिन में आपसे क्या गलती हुई है। मौका हर बार नहीं मिलता हर किसी को। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या खुशी देती है? चाय मत बोलना मुझे, अरे मुझे बहुत कुछ खुशी देती है, थके रहो तो अच्छी चाय मिल जाए, मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक मिल जाए, पता था चाय, हाँ मन करे तो गरम गरम पराठे कोई खिला दे बना के, गरम पूरी खिला दे कोई खिला के, अच्छे वाले पकोड़े खिला दे, सम टाइम लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, फैमिली के साथ में, तो अच्छा लगने के लिए क्या, मन खुश तो सब खुश, अपनी फेवरेट चीज़ें, अच्छे अच्छे गाने सुनना पसंद आता है। ओके, आपको कौन सी अपनी पूरी जिंदगी में आपको कौन ने और कैसी बेस्ट एडवाइस दी आपको? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मैंने लाइफ में मेरी मॉम के जाते तक 2017 तक मतलब मैंने अपनी, पापा तो एडवाइस नहीं करते थे क्योंकि यू नो आप जिनसे बात करते हैं ना, कई लोग अपने फादर के क्लोज होते हैं
तो फादर ही बोलते हैं मॉम के थ्रू या जो भी है, तो फादर के ही थ्रू आपको बातें मिलती हैं, तो आप फादर की सुनते हैं। मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा बातें करती थी, उनसे कनेक्ट थी, तो मेरी मॉम जो मुझे बोल दिया, अगर उन्होंने बोल दिया ये ग्लास आधा भरा है, तो मैं भी यही बोलूँगी ये ग्लास आधा भरा है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स ने जो बोला है वो उसमें सवाल तो उठ ही नहीं सकता, उसमें सोचने जैसा है ही नहीं कि वो गलत बोलेंगे या ऐसा क्यों या वैसा क्यों, क्योंकि पेरेंट्स ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चंस खत्म, अब आपको एक एक चूज करना है, ठीक है? रैपिड फायर, मॉम और डैड? बोथ, मतलब मैं स्पेशली मॉम के क्लोज थी, बट अगर दोनों में सिलेक्ट करना पड़े तो आई एम सो सॉरी, दोनों। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड मुझे पराठा खिला दो, कोई वाला भी खिला दो, और अगर सिंपल वाला भी है तो भी चाय के साथ खिला दो, कभी भी खिला दो, मैं खुशी खुशी खा लूँगी। फेवरेट क्यूजीन? क्यूजीन ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियन, इंडियन क्यूजीन। फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? अरे मैं ये नहीं बोल सकती, क्योंकि पुराने ज़माने में मुझे देवानंद जी पसंद हैं, मुझे आशा पारेख पसंद है हीरोइन में, एक्ट्रेस में, और बहुत सारे हैं उसमें, वो नहीं कर सकते, पर मुझे ओल्ड ही पसंद है, धर्मेंद्र वगैरह, जितेंद्र जी, ये सब पसंद है। नए में अभी मुझे इमरान हाशमी की मूवीज़ अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं, जॉन इब्राहिम अच्छे लगते हैं, सलमान, हाँ गोविंदा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू। आपकी लाइफ और आप पहले से कैसे चेंज हुई? मेरी लाइफ और मैं अगर हिसाब लगाएंगे तो लोग बोलते हैं ना 19-20 का फ़र्क है, मेरी ज़िंदगी में 0 और आई थिंक 30-40 का फ़र्क होगा। कोई ना कोई रीज़न होता है चेंज होने का, मेरी लाइफ के चेंज होने का रीज़न मेरी माँ का इस दुनिया से चले जाना, तो मैं कम्प्लीटली टूट गई, तो मेरी माँ ने मुझे यहाँ वहाँ से खबरें पहुँचा के मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाए जो मैंने कभी सोचे नहीं थे, आ गए, तो मुझे लगता है मेरी माँ भी खुश है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखा। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अब आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कर देना, बुरा लगा होगा तो भी कमेंट कर देना, बस खुश रहना, अच्छे से रहना, और अपने आप को हर वक्त अपने लिए टाइम देना और अपनी खुशी के लिए टाइम देना, और वो काम करना जिसमें आपको खुशी मिलती है। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी को चीट करके खुशी मिल जाए तो वो काम कभी नहीं करना, बस ये सोचना कि हमारी वजह से कोई रोए ना। लव यू ऑल। तो पसंद आया तो बता देना, नहीं पसंद आया तो भी बता देना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और लोगों को शेयर भी कर देना। तो फिर कभी मिलते हैं, फिर किसी मोड़ पर चलते।